हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता। मैं हूं राकेश भारद्वाज, टीजीटी साइंस, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आनी, कुल्लू। बच्चों, किंगडम एनिमिलिया को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में हम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमथीस और फाइलम नीमेटोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में। आइए शुरू करते हैं फाइलम एनिलिडा से। एनिलिडा वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एन्यूलस एंड लिडोस। एन्यूलस मीन्स रिंग, लिडोस मीन्स फॉर्म। सो एनिलिडा मीन्स रिंग फॉर्म एनिमल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा के लक्षण। नंबर वन, एनिलिड्स फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश एंड मेरीन वाटर। सम आर पैरासाइट्स लाइक लीच। एनिलिड नम मिट्टी में, स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ परिजीवी होते हैं जैसे जोंक इत्यादि। बॉडी इज एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड सेगमेंटेड। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और खंडों में विभाजित होता है, जैसे देख सकते हैं आप। एनिलिड्स बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इन जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात दोनों तरफ बराबर संरचना होती है। एनिलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो बॉडी डिवेलप्ड फ्रॉम थ्री जर्मिनल लेयर्स। एनिलिड त्रिकोरिक होते हैं, अर्थात उत्कों की संरचना तीन कोशिकीय परतों पर होती है। ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम इज प्रेजेंट। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स। वास्तविक देहगुहा पाई जाती है जिससे वास्तविक अंग संरचना निहित होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जैसे आप अर्थवर्म में देख सकते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स और स्किन। श्वसन गिल्स या त्वचा से होता है। एक्सक्रीशन अकर बाय नेफ्रिडिया। उत्सर्जन नेफ्रिडिया से होता है। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिलिड्स। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है एनिलिड्स में। इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। नेरिस केंचुआ और जोंक इसके मुख्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्थ्रो एंड पोडा। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। सो आर्थ्रोपोडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद ज्वाइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, हैविंग नियरली 90% ऑफ ऑल एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 90% जंतु आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के लक्षण। आर्थ्रोपोडा आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल एक्सोस्केलेटन। इट इज द लाइट वेट एंड मेड अप ऑफ काइटिन। आर्थ्रोपोडा सबसे सफल जीव है क्योंकि इनमें अपारगम्य बाह्य कंकाल होता है। यह हल्का और काइटिन का बना होता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स में। दे आर प्रेजेंट इन लैंड, मॉइस्ट सॉयल, इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। ये जमीन में, नम मिट्टी में, स्वच्छ जल में, समुद्री जल में और अन्य जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आर्थ्रोपोड में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात इनकी बॉडी संरचना दोनों तरफ समान होती है। ज्वाइंटेड लेग्स ऑफ और अपेंडिसेस आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। जोड़ युक्त टांगे पाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। बॉडी इज सेगमेंटेड। शरीर खंड युक्त होता है। शरीर तीन भागों में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन। सिलोम इज प्रेजेंट बट फील्ड विद ब्लड। सो इट इज कॉल्ड ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ब्लड डू नॉट फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स। देहगुहा पाई जाती है जो रुधिर से भरी होती है। इसे खुला परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, अर्थात रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है। इन मैनी आर्थ्रोपोड्स
कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट, जिसमें मोज़ेक विज़न होता है, अर्थात उसमें बहुत सारी तस्वीरें बनती हैं। आपने देखा होगा मक्खी, कॉकरोच इत्यादि को, जो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम्स आर प्रेजेंट। पूर्ण विकसित पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और तंत्रिका तंत्र आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। द मेजर एग्जाम्पल्स आर प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, सेंटीपीड्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एट्सेट्रा। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, द सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का, मोलस्का के लक्षण। नंबर वन, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, मोस्टली आर मेरीन, सम आर टेरिस्ट्रियल लाइक स्नेल्स। ये जलीय जंतु होते हैं, ज़्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ नम जमीन में पाए जाते हैं जैसे घोंघा इत्यादि। मोलस्कास आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स विद ए प्रोटेक्टिव शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका शरीर बहुत मुलायम होता है, जो कवच से ढका होता है। दीज आर बाइलेटरली सिमिट्रिकल, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्मॉल बॉडी कैविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये त्रिकोणिक होते हैं और इनमें छोटी देहगुहा पाई जाती है। डेवलप्ड डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। इनमें विकसित पाचन, श्वसन, जनन और उत्सर्जन तंत्र होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आईज एंड टेंटेकल्स आर प्रेजेंट ऑन हेड। इनमें संवेदक अंग जैसे आँखें और एंटीने पाए जाते हैं। ए मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, इनमें गमन के लिए पेशीय पैर होता है। मेजर एग्जाम्पल्स आर काइटॉन, ऑक्टोपस, पाइला एंड यूनियो एट्सेट्रा। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। द वर्ड इकाइनोडर्मेटा इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकाइनोस एंड डर्मा। इकाइनोस मीन्स स्पाइनी और हेजहॉग, डर्मा मीन्स स्किन, कांटेदार त्वचा। मीन्स द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, जंतु जिनमें कांटेदार त्वचा पाई जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के लक्षण। नंबर वन, ऑल इकाइनोडर्म्स आर मैरीन एंड फ्री लिविंग, सभी इकाइनोडर्म मुक्त जीवी और समुद्री आवास में पाए जाते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद मूवेबल स्पाइन्स, इनकी त्वचा कांटेदार कंकाल से ढकी होती है। रेडियल सिमिट्री इज प्रेजेंट, सम आर बाइलिटरली सिमिट्रिकल, इनमें अर्धव्यासीय और कुछ में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये त्रिकोरिक होते हैं, अर्थात इनमें उत्कीय संरचना तीन कोशिकीय स्तर पर होती है। स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, इनमें विशिष्ट जल सोहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चलने में और श्वसन में सहायक है। माइक्रोट्यूबिट्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड गैसियस एक्सचेंज, सूक्ष्म ट्यूब पाद पाए जाते हैं जो चलन और गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। ये सूक्ष्म पाद या ट्यूब फीट्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेन एग्जांपल्स आर एंटीडॉन, होलोथ्यूरिया आल्सो कॉल्ड सी कुकुम्बर, इकाइनस आल्सो कॉल्ड सी अर्चिन एंड एस्टीरियास स्टारफिश। Do you want to know?